आपसे जानकारी लेते हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। बताइए सर, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पलिया क्षेत्र में जो दो टिकट भी जो घोषित हो चुके हैं, भाजपा से घोषित हो चुका है और सपा से घोषित हो चुका है, तो सर किसका सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस बार? कक्कू भैया का। हाँ, अच्छा, इनका सर पूरा नाम क्या है? वितेंद्र सिंह कक्कू। अच्छा जी, ये अच्छा होल्ड है यहाँ पे उनका जी, और बीजेपी अपनी यहाँ हार रही है। अच्छा, बीजेपी हार रही है जी। अच्छा सर, ये बताइए किस कारण हार रही है बीजेपी? काम नहीं हुआ। अच्छा, काम नहीं। अच्छा सर, ये तेल और जो नमक दर है, इस पर क्या बताएंगे आप? तेल कितना महंगा हो गया है जी, 100 रुपए लीटर है पेट्रोल हो गया है। यानी जो कोटे में दर रहे हैं, कोटे में तेल नमक गेहूं दर है, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, मुझे तेल और कोटे वाले नहीं चाहिए, मुझे महंगाई सस्ता चाहिए। जी, और ये आपकी सरकार बदलने वाली है, अखिलेश जी की जी और आने वाली है। इसके मतलब जनता क्या क्या रुख है, ज्यादा नाराज है क्या? बहुत नाराज। अभी नाराज है? बहुत नाराज हूँ। इतना क्यों नाराज भाई साहब? अरे बहुत नाराज हूँ मैं, ये सरकार ने बिल्कुल महंगाई बढ़ा दी है। अरे कैसे? कैसे जैसे बढ़ती है कैसे? रिचार्ज बहुत महंगा हो गया, 500 रुपए हो गया। 500 रुपए रिचार्ज महंगा हो गया। अच्छा 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 सर, ये तेल पर कुछ नहीं पड़ेगा सर? तेल जो मिल रहा है कोटे से साहब को, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? अभी जो आए थे परमिया, तेल की तो बहुत बढ़िया वो हुआ, मतलब तेल मिल गया आपको? तेल क्या, 100 रुपए तेल है जी, और 350 रुपए 250 रुपए जी, महंगा तेल हो गया है। अच्छा, तब जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे। इतना नाराज? बहुत नाराज हो। चल भाई, ये भाई साहब यहाँ पर भी जानकारी लेते हैं इन भाइयों से, वो तो भाई साहब बहुत नाराज हैं। आप बताइए भाई साहब, बीजेपी को वोट करेंगे कि सपा को वोट करेंगे? विकास को वोट करेंगे, विकास के नाम पर। सर विकास, ये जो किसानों का जो है गन्ना मूल वाला, सर गन्ना मूल नहीं मिला गन्ना किसानों का, अब शिक्षा के बारे में 1 डिग्री कॉलेज है उसमें भी पूरे क्लासेस नहीं है, M.Com B.Com जी, बड़े क्लासेस, शिक्षा के बारे में पीछे है पलिया, बहुत पीछे, बहुत स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। वोट किसको करेंगे इस बार? देखा जाएगा, अभी चारों कैंडिडेट आने दीजिए, अभी कांग्रेस का नहीं क्लियर हुआ है, और भी क्लियर नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है जी, पूरे कैंडिडेट आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या विचार बनता है। अच्छा, फिर अभी हमें कोई रुझान नहीं है? अभी कोई रुझान नहीं। अरे सर, कुछ भी तो रुझान होगा, मतलब किसका मन बनाए हैं आपने? अभी 1 महीना पड़ा हुआ है रुझान एंड टाइम। अच्छा सर, आपके घर के बच्चे, आपके फैमिली के लोग किसको वोट करेंगे? अभी समय नहीं, वो भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर कोई बात नहीं हुई है, विकास को देख करके बात हुई। अच्छा, फैमिली के बारे में कुछ जानकारी तो नहीं होती? शाम को बैठते एक पास में तो फैमिली कहती है कैसा है कि डैडी हम सपा को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे, उसमें कुछ आंतर नहीं चल रही आपके परिवार में? नहीं नहीं, कोई आंतर, राजनीति में चलती रहती है? नहीं, हाँ, इसमें नहीं, हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं, एक साथ वोट करेंगे, जिसको भी करेंगे एक साथ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार भाई। आज यहाँ पर चेयरमैन साहब भी हैं, इससे भी दो टुक बात कर रहे हैं, विकास के बारे में बता दीजिए सर। विकास के लिए तो बता रहे हैं, इधर बोलेंगे बताया है और विकास के मामले में क्या बताया जाए, अभी तक सब चल ही रहा है जिस तरीके से चल रहा है। अच्छा सर, ये गायों पर बता दीजिए, आवारा पशुओं पर केवल एक चीज, आवारा पशु देखिए आवारा पशुओं के लिए